Hi guys, welcome back to my channel. I am Malvika and you're watching Cute Cupcake. तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप घर पे पुराने जो भी आपके पास बीड्स हैं, मोती है, वो सब से आप राखी कैसे बना सकते हो। आपको अभी की सिचुएशन तो पता ही है, कोरोना वायरस के चलते ना हम बाहर जा सकते हैं, जा तो सकते हैं लेकिन नहीं गया हुआ ही अभी सबके लिए बेनिफिशियल है। तो इसलिए आई एम जस्ट शोइंग यू कि आप घर पे पड़े सामानों से कैसे बना सकते हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ 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 कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले आपको कितनी राखी बनानी है और आपको कैसे अरेंजमेंट करना है वो सब ऐसे रख सकते हो एंड एक एक करके आप बीड्स डाल लो एंड जस्ट मेक इट हाउ यू वांट टू मेक योर राखी। आपके पास ये सारे बीड्स नहीं हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास ऑलरेडी है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे जो दिखा रही हूँ वही आपको करना है। दिस इज़ जस्ट अ बेसिक आइडिया जो कि मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप इस टाइप से आप कर सकते हो। तो आप देखिए, अगर आपको पसंद आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको पसंद आई है, आप अगर ये यूज़ करोगे या नहीं करोगे आपके आपके राखी आपके घर पे। तो नॉट्स टाई कर देंगे सो दैट ये जो बीज है वो यहाँ वहाँ इधर उधर ना भागे, अपनी ही जगह पे रहे। देखिए जस्ट 2 मिनट्स में हमारी फर्स्ट राखी बनके तैयार है। ये जो फर्स्ट राखी हमने जो बनाई है ये छोटा भीम की राखी है एंड अगर आपके छोटे भाई है, छोटे छोटे भाइये हैं तो आप ये राखी उनको दे सकते हो। अगर आपके पास ऐसा नहीं है छोटा भीम का तो आप प्रिंट आउट निकलवा लो एंड डबल पेपर लगा लो साइड में जिससे आप निकाल रहे हो और वो पेपर्स फट जाएगा बोल के है, तो आप पेपर को ऐसे सेलो टेप लगा दो पेपर के ऊपर। बहुत सारे आइडियाज़ है, आप कर सकते हो। वैसे मैं यहाँ पे बस आपको एक बेसिक डिज़ाइन दिखा रही हूँ एंड ये देखिए आपके बड़े भैया के लिए आप ये वाला राखी बना सकते हो। दिस इज सो रिच, बहुत ही अच्छा दिखता है देखने में एंड क्योंकि हमने ये मूली यूज़ की है तो ये बहुत लंबे टाइम तक भी टिकेगी, ये फिसल के नहीं गिरेगी। जो भी बाज़ार में मिलता है वो ऑलमोस्ट रेशमी धागों के बने हुए होते हैं, है ना, तो वो हैंड से फिसल जाते हैं, मतलब कब खुल के गिर जाता पता ही नहीं चलता। अगर आप ये मूली वाला राखी बांधोगे तो अरे वाह भाई वाह, मतलब आराम से टिकेगा, या जब तक आप इसको खुद नहीं खोलोगे ना तब तक ये खुलेगा नहीं। चलो ये थर्ड वाला है, ये सेकंड वाला भी हमारा बनके तैयार है और ये जो थर्ड वाला बना रहे हैं वो हम लोग सेट बना रहे हैं। अब सबके भाई कुंवारे हो ये तो हो नहीं सकता ना, सबके भाई बैचलर्स तो नहीं हैं, किसी किसी की मतलब वाइफ भी हैं तो भाभी को भी राखी लगाते हैं। तो ये एक सेट की राखी है जिसमें भैया और भाभी दोनों के लिए हम लोग ने बनाया है। तो ये बन के तैयार है, अपने भैया की राखी सेकेंड वाली की एज इट इज़ बनाई है। थर्ड वाली में अब देखो हम लोग कैसे बनाए हैं। पहले थर्ड वाले बनाने के लिए हम लोग ने नीचे जो टाई किया था और उसके बाद में हम लोग ने उसको कट कर दिया। हम लोग ने लुम्बी बनाने का सोचा है भाभियों के लिए, जो चूड़ी में ऐसे टांगती नहीं है वो बहुत सुंदर लगता है एंड इट लुक सो गुड। आपको जैसे अरेंज करना है आप वैसे अरेंज कर सकते हो। इसको इसी टाइप से हम लोग दो और बना लेंगे। You are there.
एंड हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं बीड्स। डालने के बाद में ऐसे सेम टू सेम हम लोग ने दो और बना लेनी है। अब टाई कर दो अच्छे से ताकि वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। यहाँ पे पता नहीं मैं क्या ट्राई कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इसलिए मैं खुद ही कर ली। ओके, जैसा हम लोग ने सेकंड वाला बनाया है वैसे ही हम लोग ने थर्ड वाला स्ट्रिंग भी बनाना है मोती डाल के। एंड यहाँ पे मैं ऐसे कुछ कर रही हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा इसलिए मैं वापस से कर ही रही हूँ। एंड ये रही हमारी 3 beads बनके तैयार है। अब उसको साइड में एक अच्छे से, साइड में नहीं उसके ऊपर एक अच्छे से हम लोग को उसमें नॉट लगा लेनी है। नॉट लगा लेने के बाद में हमारी जो राखी है, हमारी जो भाभियों के लिए, प्यारी प्यारी भाभियों के लिए हमारे लिए जो राखी है ये बनके तैयार है। एंड ये वाली राखी को हम लोग लुम्बी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आ जाती है तो लाइक कर देना, लाइक करना फ्री है। सब्सक्राइब कर देना अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हो तो, दैट वुड मीन सो मच टू मी। एंड ये रही हमारी बनके तैयार है, राखियाँ बन गई। चलो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर रहे हो तो नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।